हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं सेक्शन 498 यानी कि भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 498 है, आज उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो यार, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं नए वीडियोज और आपके लिए लॉ के लेके आऊँगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 498। सेक्शन 498 ये हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी अन्य महिला को डिटेन करता है या जानते हुए कि वो महिला विवाहित है, उसको डिटेन करता है अनलॉफुल तरीके से, उसको परटेन करने की कोशिश करता है, उसको डिटेन करता है, बहला फुसला कर अपने साथ लेके जाता है, या जानते हुए कि वो महिला किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है और उसके साथ फिजिकल इंटरकोर्स या फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, तो यही हमें इस धारा में बताएगी कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को जान रहा है कि वो सामने किसी की पत्नी है और उसको वो बहला फुसला कर अपने साथ लेके जा रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप उसके साथ इस्टेब्लिश कर रहा है, तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान होगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वही धारा 498 में बताई गई है। तो धारा 498 में जो व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है उसके लिए 2 साल की सजा बताई गई है। ये बेलेबल ऑफेंस है और ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, इसमें 2 साल की सजा होगी और फाइन भी दिया जा सकता है। ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका ट्रायल होने वाला है, इसका ट्रायल जो होगा ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ होगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला को लेके इस तरीके से जा रहा है 498 लगने के लिए, पहली कंडीशन यही होगी कि उस महिला का मैरिड होना आवश्यक होगा, कि मतलब उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वो किसी और व्यक्ति की पत्नी है जिसको वो लेके जा रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी उदाहरण की बात करूं कि जैसे मान लीजिए कोई एक्स है, मिस्टर एक्स है, एक्स जो है मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप है, उनका रोज घर आना जाना है और मिस्टर एक्स की पत्नी जो है उनके साथ रह रही है, ठीक है, तो मिस्टर जो है वाई जो है रोज रोज उनके घर आ जा रहे हैं, तो पत्नी भी जान रही कि चलो ये मेरे पति के अच्छे दोस्त हैं और इनसे मुझे कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब किसी दिन मान लीजिए वो पति अपने घर पे नहीं रह रहे होते हैं, तो जो मिस्टर वाई आते हैं उसकी पत्नी को बहला फुसला के लेके जाते हैं कि चलो तुम्हें वहां लेके जाएंगे जहां पे आपके पति हैं, तो पत्नी भी भरोसा कर लेती है कि चलो ठीक है हाँ, क्योंकि ये मेरे घर रोज आते जाते हैं, मेरा इनके साथ मिलना जुलना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो चली जाती है। फिर वहां पर उसको वो डिटेन कर लेते हैं, डिटेन करके फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अगर वो फिजिकल इस्टेब्लिश कर ले रहे हैं, रिलेशन ऐसा बना ले रहे हैं, डिटेन कर ले रहे हैं बहला फुसला, क्योंकि महिला को पता है ना कि मुझे कोई हार्म नहीं होगा इनसे, ये मेरे जानने वाले हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनके ऊपर धारा 498 लग जाएगी। धारा 498 इसी कंडीशन में लगती है, डिटेंशन होता है मैरिड वुमेन का, यानी कि धारा 498 लगने के लिए महिला का विवाहित होना परम आवश्यक होगा, तभी धारा 498 लगेगी, अदरवाइज अबडेक्टिंग और किडनैपिंग की 363 366 लगाई जा सकती है। चलिए आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।